हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सोनी अंसारी। और आज मैं यूपी बिहार की फेमस आलू चॉप रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बाहर से बहुत ही क्रंची और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करना ना भूले। चैनल पर नए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका बैटर बना लेंगे। तो बैटर के लिए मैंने लिया है बेसन, और इसमें आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, अजवाइन आधी छोटी चम्मच और एक छोटी चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और एक चुटकी खाने का सोडा डाल देंगे और फिर सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, हम एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं बनानी है और बहुत ज़्यादा पतला भी बैटर नहीं रखना है हमने। तो ये देखिए, इस कंसिस्टेंसी में हमें चाहिए थी बैटर। अगर ये थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है तो इसमें हम थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे। ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बिल्कुल पानी लिया है और इसको फेंट लेंगे अच्छे से, और इसको हम रख देते हैं अब साइड में और आलू की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे बॉयल आलू ले लेना है। आलू पहले से बॉयल कर लिया था मैंने, छील लिया है इसे। अब इसे मैश कर लेंगे हाथों की हेल्प से। आप चाहे तो मैशर से भी मैश कर सकते हैं। तो देखिए, इस कंसिस्टेंसी में चाहिए हमें आलू। अब एक पैन लेना है, गैस के ऊपर रख देना है। उसमें एक से दो छोटी चम्मच हम ऑयल डालेंगे, और ऑयल जब हमारा गर्म हो जाएंगे तो एक छोटी चम्मच ज़ीरा, और ज़ीरा थोड़ा सा भुन जाए तो क्रश किया हुआ अदरक लहसुन डाल देंगे, और हल्का सा भून लेंगे अदरक लहसुन को। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा सा भूनेंगे। और उसके बाद में आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने लाल मिर्च आधी छोटी चम्मच से ज़्यादा लिया है। आपको जितना पसंद है तीखा खाना उतना डाल सकते हैं। और सभी चीज़ों को एक से दो मिनट तक लो फ्लेम पे भून लेंगे, जिससे कि मसाले जले नहीं, तो फ्लेम को हमने लो रखना है। अब बस इस स्टेज में हमने मैश किया हुआ आलू ऐड कर देंगे और इस तरह से मिला लेना है मसालों के साथ आलूओं को। और एक छोटी चम्मच नमक ऐड कर देंगे, और ये क्रश किया हुआ मूंगफली है, तो ये ऑप्शनल है। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं मूंगफली को, बट इसे डालेंगे तो अंदर में थोड़ा सा क्रंचनेस आता है, वो बहुत ही अच्छा लगता है। एक छोटी प्याज जो बारीक चॉप कर लिया था उसे डाल देंगे, और दो से तीन हरी मिर्च बारीक चॉप करके डाल देना है, और हरा धनिया। अब इस सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। तो यहाँ पे मैंने एक चुटकी गरम मसाला पाउडर डाल दिया है, और बस इसे अच्छे से मिला लेना है। तो फ्लेम लो ही रखे, और लो फ्लेम पे एक मिनट तक बस मसालों को अच्छे से भून लेना है। तो ये देखिए, हमारा मैरिनेशन रेडी है। अब इसे निकाल लेते हैं और इसको ठंडा होने देंगे। 4 से 5 मिनट तक साइड में रख देते हैं, जब तक ये ठंडा हो जाए। अभी बहुत गर्म है। तो आलू हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब इस तरह से इसको बॉल बना के हमने टिक्की बना लेनी है। तो इस तरह से हम टिक्की का शेप दे देंगे, और इसी तरह से हम सभी आलूओं की टिक्की बना लेंगे। तो ये देखिए, सभी टिक्की रेडी है। इसी तरह से सभी टिक्की को रेडी करके रख लेना है। अब बैटर को चेक कर लेते हैं। तो बैटर में थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देंगे। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, फूड कलर को ऑप्शनल है। तो बस इसे मिक्स कर लेना, और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। इसी कंसिस्टेंसी की हमें बैटर चाहिए थी। अब फ्राई करने के लिए ऑयल रख लेते हैं गैस पे। तो ये पहले से ही मैंने रख दिया था गैस पे गर्म होने के लिए। अब इस तरह से डिप करेंगे हम बैटर में टिक्की को, और एक चम्मच की मदद से इसे डिप करके निकाल लेंगे। तो इस तरह से डिप करना है, और फिर निकाल करके ऑयल में फ्राई कर लेनी है। तो जब भी फ्राई करना हो, ऑयल को पहले से ही प्री हीटेड करके रखें। ऑयल अच्छा से गर्म होना चाहिए। अब ये देखिए, इस तरह से हमने डिप करना है और फिर फ्राई कर लेनी है। तो
तो इसी प्रोसेस में हमने सभी आलू चॉप को फ्राई कर लेना है। और ध्यान देना है कि ऑयल हमारा पहले से ही अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो इसके साइड चेंज कर करके अच्छे से फ्राई करें। और इसको फ्राई होने में ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मीडियम फ्लेम पे ही आप दोनों साइड चेंज करके अच्छे से फ्राई कर लें। और ये मज़ेदार सी रेसिपी आप इस विंटर में ज़रूर ट्राई करिए और फिर मुझे अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। तो एक बार आप बनाइए और अपनी फैमिली वाले को खिलाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है ये खाने में। तो आप शाम के स्नैक्स में इसे बना सकते हैं या फिर कोई मेहमान आ जाए तब बना सकते हैं। तो आप इसे बनाइए और ग्रीन चटनी और रेड सॉस के साथ सर्व करिए। ये देखिए सभी आलू चॉप रेडी है और देखिए कितने मज़ेदार से लग रहे हैं, बहुत ही क्रंची बने हैं, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है और बाहर से क्रंची। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मेरी रेसिपी को शेयर करिए और फिर मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दें जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें।